और इसको ऑडी बोलते हैं जैसा कि मैडम ने बताया, और सामने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। एम्बियंस तो काफी अच्छा है। अच्छा मान लीजिए कोई मतलब आगे कोई जिसको इंग्लिश उंग्लिश नहीं आता, आप हिंदी में बात कर लीजिएगा, जैसे मेरे ऐसा अनप्रगाड़ अगर आ गया तो। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। थोड़ा सपोर्ट करो यार, मेहनत कर रहा है बहुत, मजाक नहीं कर रहा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के बच्चे, क्या बोल रहा भाई। तो गाइस कैसे हो आप लोग, साथ करते हैं वीडियो में। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो गाइस काफी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक कैफे जो है वायरल हो रहा है, जिसका नाम है सिने कैफे, जो कि कोलकाता का फर्स्ट ऐसा कैफे जो कि आपको पर्सनल रूम प्रोवाइड करेगा। पर्सनल रूम का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो कर सकते, मतलब पर्सनल रूम का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आप जाके डेटिंग कर सकते या फिर दोस्तों के साथ जाके खाना वाना भी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जाके देखते और एक्सपीरियंस लेते और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है कैफे। वैसे हम लोग चार जन गए थे, तो चार जनों का कितना खर्चा हुआ ये जानना है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और हाँ, मैंने वीडियो में एक गलत इन्फॉर्मेशन बताया आपको, जो कि मैंने बताया कि वहाँ पे सिर्फ उबेर या फिर रैपिडो से जा सकते हैं, बट नहीं, वहाँ पे बस स्टैंड भी है, ठीक है, वहाँ से बस से आप जा सकते हो। तो बस से कैसे जाना है और कहाँ पे उतरना है तो भी जाने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। क्या बोलते हो, चले क्या? और गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कैफे है कहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो रास्ता कुछ ऐसा दिखता है, मैं थोड़ा खोज लूँ किस तरफ है, बिकॉज जो गाड़ी का जो मैप दिखाया है यहाँ पे दिखाया है आसपास ही होगा, ठीक है। खोज के फिर आपको बताता हूँ कि किस तरफ आने से आपको इजी पड़ेगा। जहाँ उतरेगा इस वहीं पे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम लोग इधर आ गए, बट वहाँ पे पेड़ के वजह से दिख नहीं रहा था, तो बस सामने में ही है वो गाड़ी के पास में, इसी गाड़ी से हम लोग आए थे, ठीक है। और हाँ, आज हम लोग के साथ ये गंदा सगल दो जो नया है, जैसा कि आप लोग पता हो कि मैं बोलता हूँ कि हड्डी बच जाता है तो उसको खिलाने के लिए लिखा था, ठीक है। अरे भाई इतना इतना सामने से दिख नहीं रहा था, ये देखो गाइस, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मतलब आपको उबेर या फिर बाइक से आना ही पड़ेगा, मतलब आप ऐसे बस से नहीं आ सकते, बस अंदर में थोड़ा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग आते हो तो उबेर या बाइक से आ सकते हो। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है एरिया, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, वाह सामने गंदा सा गाड़ी, चलो अंदर जाते हैं। और गाइस तो फाइनली हम लोग ने रूम बुक कर लिया है, मतलब रूम ही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे, कैफे है बट रूम के जैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हम लोग को मैडम लेके जा रही है। ऑडी, अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, सही है, बट फोटो में आप लोग थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे थे, थोड़ा नहीं, लाइक हम लोग के 3 कैपेसिटी रूम, डिफरेंट कैपेसिटी रूम है, एक 2 पैक्स से मैक्सिमम 4 पैक्स के लिए, अच्छा, एक है 6-10 और फिर एक है बड़ा अलग दिखा रही है, बड़ा सा बोले क्योंकि फोटो में देखा थोड़ा बड़ा रूम था, ये मैक्सिमम 20 पैक्स। वाह, तो लाइट जला सकती है, ना मिनिमम 20 जोन के लिए ना। तो गाइस देख लो, अगर आप लोग आते हो 20 जोन हो तो इस तरह का आपको ऑडी ना, ऑडी मिल जाएगा आपको। बर्थडे पार्टी के लिए सही रहेगा ना ये, बर्थडे पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब पहले फोन के बुक करना पड़ेगा, लो आ जाएंगे तो इसे मिल जाएगा, कभी कभी ना। अच्छा अच्छा, लाइक अभी तो क्रिसमस सैंडल आ रहा है तो ज्यादा रश रहेगा, इसलिए हम लोग प्रायर बुकिंग्स लेते हैं। अरे भाई सोचो यार कितना मस्त, क्या चाहिए और जिंदगी में ना। जिंदगी में क्या? अच्छा मान लीजिए कोई मतलब आगे कोई जिसको इंग्लिश विंग्लिश नहीं आता, आप हिंदी में बात कर लीजिएगा, जैसे मेरे ऐसा अनप्रगाड़ अगर आ गया तो।
तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूं हम लोगों को कौन सा ऑडी मिला है, मतलब दिखा तो दिया बट फिर अच्छा से दिखा देता हूं और वाइड एंगल कर रहा हूं। वीडियो मिला है तुमको ऑडी? अरे ऑडी गाड़ी नहीं, इतना तो अच्छा नसीब है ही नहीं। और हाँ एक चीज और कि यहां पे कैमरा लगा हुआ है ठीक है, तो आप लोग अगर कोई बैड इंटेंशन से आते हो तो वो भूल जाओ ठीक है। और वैसे भी गाइस ये सब बात का मेरे को फुटेज बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली इतना ये रूम में क्या और दिखा है आपको नया, बस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। तो और चार्ज हाँ वही और चार्ज उनका क्या कुछ खर्चा होगा मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना ठीक है। और गाइस ये रहा इन लोग का मेन्यू कार्ड ठीक है, तो मेन्यू कार्ड में बहुत सारा ऑप्शन है आपको, तो मैं वीडियो करके नहीं दिखा सकता बट हाँ आप लोग आओगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा बट थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं बट वीडियो पॉज करके देख ही सकते हो। अच्छा ये एक ही पेज है, ये देखो ये रहा प्राइस, मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए ज़्यादा या कम है बट मुझे लग रहा मीडियम में प्राइस है, मतलब हाई है, मतलब मैं जो जहाँ जहाँ खाता हूँ उसी हिसाब से तो मेरे को मीडियम ही लग रहा है। मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस हो सकता है भोजन के ज़्यादा, मेरे लिए तो ज़्यादा ही है भाई ये सब प्राइस, बट मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आपको दिखाने आया हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो पार्टी के लिए, मतलब बर्थडे पार्टी के लिए या फिर डेट करना चाहते हो, डेट के लिए भी अच्छा जगह है तो ये बेटर चॉइस रहेगा आप लोग के लिए। एक और चीज़ अच्छा ये है कि यहाँ पे एक काठ का टेबल है जो कि आप ऊपर, मैं सोचा था कि शायद यहाँ पे खाना पड़ेगा बट नहीं, ऊपर में एक टेबल है छोटा सा, मतलब एक काठ बोर्ड है उसी के ऊपर खाना वाना जो है यहाँ पे खा सकते हो आप लोग। और गाइस तो हम लोग का खाना आ गया ठीक है, भैया लेके आ गए हैं। और ये क्या क्या ऑर्डर करी थी? बारबेक्यू चिकन विंग्स और चिली चीज टोस्ट। थैंक यू भैया। गाइस खाना तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, खाना तो ऑलरेडी आ चुका है बट टेस्ट करके देखते हैं कैसा यहाँ का खाना है। मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ बट फिर भी बता देता हूँ क्या है, हर ब्लॉग का तुम्हारा सेम डायलॉग, फूड ब्लॉगर है फिर भी खाना है चलो ये चीज चिली टोस्ट खाते हैं उसके साथ खाइए, उससे लगा के खाइए ये भी टेस्ट रहा नहीं गया तुमसे। तुम लोग पहले बाइट ले ले, ये वाला मस्त है ना गाइस, वर्थ इट है, मतलब आप जो पैसा पे करोगे उस हिसाब से टेस्ट बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूँ। चलो ये क्या था? ये बारबेक्यू चिकन विंग्स। अच्छा बारबेक्यू चिकन विंग्स। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। गाइस मैं कितना फेमस हो गया देखो, ये मेरा वीडियो चल रहा है कुछ भी, और ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना है ठीक है। अच्छा वीडियो है भाई, मंदारमणि का मैं ब्लॉग बनाया था, मस्त लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब करो यार, क्या करते हो का प्रमोशन, कोई तो नहीं करता इसका प्रमोशन, इसलिए खुद ही कर रहा है क्या करो, मर्द को हमेशा अकेला सब कुछ करना पड़ता है। अकेला क्या क्या करता है यार, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ये जो करता है वो तो मैं नहीं करता भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और गाइस तो हम लोग का खाना आ चुका है ठीक है, और मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, एज अ फूड ब्लॉग करते हैं सब, तो मैं सर देखो तो अब तीन लोग पहले सर्व कर लिया, मेरे को सर्व नहीं किया इसलिए मैं खुद का सर्व खुद ही करूँगा, अब जगह थोड़ा छोटा पड़ गया है, फाइट ऐसा क्वांटिटी लेकिन सही है। और एक चीज़ हम लोग ने ऑर्डर किया था, इसका नाम क्या था, कुछ ग्रीन चिकन में चिकन चिमीचूरी जो कि ग्रीन कलर में है, तो चलो भाई मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है, ये बताना तो चाहिए ऑब्वियसली, फूड भी इम्पोर्टेंट होता है वीडियो में। फ्राइड राइस का टेस्ट ठीक है, फ्राइड राइस का नॉर्मल टेस्ट है, मतलब ठीक ठाक ही है, जो चिकन है क्या था कुंभा चिकन ना, थोड़ा सा और इसका टेस्ट हो सकता था, मतलब अच्छा और हो सकता था ना, ना पिंडू भैया थोड़ा अच्छा हो सकता था बट ठीक है क्या करें, अब दोपहर में खाना नहीं खाया तो यही खाना पड़ेगा जो भी, और ये खा लेते एक बार, क्या पीरी पीरी क्या बोले इसको, चिकन चिमीचूरी, अच्छा इसका टेस्ट पूरा बारबेक्यू जैसा है, सही है टेस्ट, सही है। और गाइस मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, बात करें गाइस एक्सपीरियंस का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था बट हाँ मुझे फूड का जो टेस्ट काफ़ी थोड़ा मतलब लगा कि और बेटर हो सकता था बट वो अलग बात है, बट प्राइस का जो फूड का जो प्राइस था वो ठीक ठाक ही था। बात करें कि मेरा एक्सपेंस कितना चार्ज होगा, तो मेरा जो एक्सपेंस हुआ गाइस टोटल मतलब खाना और रूम लेकर, मतलब दो घंटा थे हम लोग ठीक है, तो दोनों लेकर हुआ हम लोग को टोटल 3800, मतलब वही 3800,
तो हम लोग का पर पर्सन जो है 950 करके पड़ा, तो काफी ठीक ठाक ही था। बस से कैसे जाना है वहाँ पे, तो गाइस आपको बस से कहीं से भी आप जाते हो तो आपको कोरोना में जाना है, कोरोना में उतर के वहाँ पे आप रिक्शा भी मिल जाएगा, आप ऑटो भी मिल जाएगा सिने कैफे के लिए, मेट्रो भी अवेलेबल है, आप मेट्रो से भी जा सकते हो, बट मेट्रो जो है शॉर्ट लेके जो बीच में चलते उस मेट्रो से आप जा सकते हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो वीडियो से तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाएगा, फिर मुझसे बात करना चाहता तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चाहते हो इस तरह का फालतू ब्लॉग बताना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है कौन है वीडियो में कौन है ब्लॉग के साथ, तो ले गुड बाय, खुश रहो, दुख सुख से दो टनान।